दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, पर मोहन अभी भी बही खातों में सर खपा रहा है और रोहन अपनी बीवी के हाथ की गरम खीर खा रहा है। कैसे? खाता बुक, डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता, मुफ्त, सुरक्षित और आसान। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। ये ज्वाइंट बिहार की बात है। भूगोल की नजर से मोटा माटी दो हिस्से थे बिहार के, एक नदियों के मैदान वाले इलाके, दूसरा जंगल और पठार का इलाका। जो दूसरा इलाका था वो था संसाधनों से अमीर, खूब खनिज संसाधन। वहां की आदिवासी आबादी को शिकायत थी कि बिहार की सत्ता उनके हितों की अनदेखी कर रही है। अलग झारखंड राज्य की मांग उठी, ऐसे में ही बना झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM। 80 के दशक में इस मांग ने जोर पकड़ी। असम आंदोलन के ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU की तर्ज पर ही 1986 में JMM ने अपना छात्र संगठन बनाया, नाम रखा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन AJSU, आसू। ऐसे केस बड़े कम होते हैं जैसा JMM और आसू के बीच हुआ। अलग झारखंड की मांग पर आसू ने फैसला किया कि वो 1989 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा। हड़ताल और बंद की कॉल दी गई, मगर पेरेंट पार्टी JMM इस पर राजी नहीं थी, वो इस बहिष्कार के साथ नहीं थी। यहीं से दोनों अलग हो गए। मगर ये खबर आसू की नहीं है, ना उसके बनने की और ना ही उसके टूटने की। ये उसके कार्यकर्ता की कहानी है, जिसके नाम भारत का सबसे युवा विधायक होने का रिकॉर्ड है। बतौर कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ने वाले ये शख्स अब इस पार्टी के प्रमुख हैं। नाम है सुदेश महतो। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना। शुरुआत के सालों से ही झारखंड की राजनीति म्यूजिकल चेयर जैसी थी। अभी ये सरकार बन रही है, अभी ये गिर रही है। 19 साल पुराने राज्य में बस एक मुख्यमंत्री हुए, रघुवर दास, जो 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, हालांकि दोबारा नहीं आ पाए। ऐसी पॉलिटिक्स में छोटी छोटी पार्टियां किंग मेकर बन के सामने आ लगी। आसू भी ऐसे ही साथ लगकर सरकार बनाने और गिराने वाली पार्टी है। यही आसू और सुदेश महतो का एक्स फैक्टर है। सुदेश 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में सिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट से 3 बार विधायक भी रहे हैं। उनके सामने है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीमा देवी। सीमा इससे पहले भी उपचुनाव में हरा चुकी हैं सुदेश महतो को। अब थोड़ा बैकग्राउंड की बात करते हैं। साल था 1974 जब सुदेश महतो पैदा हुए थे। पैदाइश की जगह सिल्ली, परिवार गरीब था। लोग बताते हैं कि रांची के सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे सुदेश, पढ़ाई में औसत। रांची के बगल में मूरी नाम की जगह है। कहते हैं कि स्कूल से गायब रहकर वहां बस स्टैंड में चुंगी वसूलते सुदेश महतो। कहते हैं धोनी के साथ स्कूल के ही टाइम की दोस्ती है इनकी। स्कूल अलग अलग थे दोनों के, लेकिन क्रिकेट के चक्कर ने दोनों को मिलाया और दोस्ती अब भी बनी हुई है। खैर, तो कोई 16-17 साल के रहे होंगे सुदेश जब आसू में पार्टी वर्कर बने। ये JMM से अलग होने के बाद की बात है। लोग कहते हैं सुदेश महतो में पार्टी संभालने का, चीजें मैनेज करने का हुनर था। इसी हुनर ने उनको आगे बढ़ाया। अब सुनिए वो किस्सा जब लालू के ऑफर को सुदेश ने ना कह दिया। साल 2000 में ज्वाइंट बिहार का आखिरी चुनाव हुआ, जिसमें आसू की तरफ से सिल्ली सीट से उम्मीदवार हुए सुदेश महतो। किस्सा है कि सुदेश इतने गरीब थे कि चुनाव का खर्च उठा पाना उनके लिए मुश्किल था, तो उनके लिए चंदा इकट्ठा किया गया। सुदेश चुनाव लड़े और जीते बस 26 साल की उम्र में। कहते हैं कि झारखंड बनने के बाद लालू यादव ने सुदेश महतो को ऑफर दिया था समर्थन के बदले मंत्री पद, मगर सुदेश महतो ने इनकार कर दिया। वो बाबूलाल मरांडी की सरकार के साथ गए और वहां सड़क निर्माण मंत्री बनाए गए। अब बात क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन की। 2005 में विधानसभा चुनाव हार गए थे सुदेश महतो। उनकी पार्टी को एक सीट मिली थी, मात्र एक सीट। रामगढ़ सीट से चंद्र प्रकाश चौधरी ने सीट निकाली थी। 2006 में उन्होंने झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JCSA के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। मुकाबला था IPS अमिताभ चौधरी से। बहुत चर्चा रही इस मुकाबले की। नतीजा पूछिए तो सुदेश महतो हार गए थे। इसके बाद आया 2009 का इलेक्शन, वहां महतो को जीत मिली। 2014 के चुनाव में BJP और आसू पार्टनर थे, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, मगर यह साल बुरा रहा सुदेश के लिए। JMM के अमित कुमार महतो से वो सीट हार गए। उनकी पार्टी ने 5 सीटें निकाली, BJP के साथ सरकार में आए। फिर हुआ ये कि विधायक अमित कुमार महतो को एक आपराधिक मामले में सजा मिली और सीट पर उपचुनाव हुआ। JMM की तरफ से अमित महतो की पत्नी सीमा देवी थी मैदान में, दूसरे तो सुदेश थे, मगर बात इस बार भी नहीं बनी और सुदेश फिर हार गए। अब कहानी उस किस्से की जब सुदेश की हत्या की सुपारी निकली थी। 2018 में खबर आई थी कि पुलिस को सुदेश कुमार महतो की हत्या की साजिश का पता चला है। झारखंड के नक्सली संगठन PLFI के कमांडर जीदन गुड़िया ने उनकी हत्या की सुपारी ली थी। पुलिस का कहना था कि झारखंड के ही एक नेता ने महतो की हत्या के
5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इससे पहले भी सुदेश महतो पर हमले हो चुके थे। जनवरी 2014 में सिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम था, यहां नक्सलियों ने बम धमाके की कोशिश की मगर वो हो नहीं सका। फरवरी 2014 में हत्या की दूसरी कोशिश हुई। सुदेश को एक शादी में जाना था, प्लानिंग थी कि खाने के दौरान उन्हें मार दिया जाएगा मगर हमला किया जाता इससे पहले ही पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से डील करके गिरिडीह सीट ले ली सुदेश महतो ने। ये बीजेपी की जमी जमाई सीट थी। रविंद्र पांडे सांसद थे यहाँ से, उनका पत्ता काट कर ये सीट सुदेश महतो को गई। उन्होंने अपने मौसा चंद्र प्रकाश चौधरी को टिकट दिलाया और मौसा जीत भी गए। 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और आसू के बीच मामला फंस गया। सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी, दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। तमाम लोग मानते हैं कि बीजेपी और आसू साथ मिलकर लड़ते तो शायद तस्वीर अलग हो सकती थी। बाकी जगहों पर दोनों पार्टियां आमने सामने थी मगर सिल्ली सीट पर बीजेपी ने सुदेश महतो के विरुद्ध अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। जवाब में आसू ने भी जमशेदपुर पूरब में रघुबर दास के सामने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। लोग कहते रहे कि चुनाव भले साथ न लड़ा हो मगर आसू है बीजेपी की ही पीटी। चुनाव से पहले नहीं तो चुनाव के बाद जाते जाते कुछ और बता देते हैं। सुदेश महतो के सगे भाई डीएसपी हैं और सुदेश हैं ट्राइबल राज्य में नॉन ट्राइबल नेता, कुर्मी समुदाय से आते हैं। झारखंड की आबादी में करीब 9% हैं कुर्मी महतो। वैसे जाते जाते ये नहीं कहना था, बताना था इनकी शादी का किस्सा। क्षेत्र के लोग याद करते हैं क्या धूमधाम थी। करीब 10-15 दिन तक रिसेप्शन चलता रहा, भोज चलता रहा, कहते हैं पूरा इलाका न्योता खाने गया था। खैर ये चुनाव उनके लिए नहीं अच्छा रहा, खुद तो जीते 20,195 वोटों से मगर जो किंग मेकर वाली भूमिका में रहते थे इस बार वो नहीं रहा। और तो और बीजेपी का जो खेल बिगाड़ा वो अलग। झारखंड के ऐसे ही और तमाम नेताओं की कहानी और रिजल्ट से जुड़े सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये स्टोरी लिखी थी आपके लिए स्वाति ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।